ग्वालियर जिले में झांसी रोड पुलिस ने लगभग 21 किलो गांजे के साथ तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी एक पिट्ठू बैग में गांजा लेकर कैंसर पहाड़िया क्षेत्र में किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें चेकिंग के दौरान रोक लिया, जिसके बाद तलाशी लेने पर उनके पिट्ठू बैग में करीब 16 पैकेट मिले जिसमें गांजा भरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती भी शामिल है जो कि झारखंड की रहने वाली बताई गई है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई की है। ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार नारकोटिक्स के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जो है कल झांसी रोड पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। झांसी रोड पुलिस कैंसर पहाड़ी पर भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तीन लोग जो हैं, एक उनमें तीन लोगों में एक युवती भी थी, ट्रॉली बैग में जो है अवैध मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं। उक्त सूचना पर उनको NDPS के प्रावधानों का पालन करते हुए उनको रोका, चेक किया। उनकी ट्रॉली से जो है करीब 21 किलो 350 ग्राम गांजा ट्रॉली बैग में 16 पैकेटों में मिला, जिनको विधिवत जब्त किया गया। 8/20 NDPS एक्ट के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें जो युवती है वो झारखंड की निवासी है और इसमें जो एक युवक है जिनका चिनोर का राणा है, वो दोनों वहाँ पे साथ में काम करते थे झारखंड में। तो उसके कहने से वो आई थी और इनसे जो पूछताछ की जा रही है कि गांजा कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जा रहे थे।